सोचा भाई के नाम हम इक्यावे किला के अंदर में कौन नहीं जानता है कि मेरा छोटा भाई के नाम जंगी रूपन सिंह, पुत्र के नाम कुंदल कुमार, बेटी के नाम कंचन कुमारी, भाती के नाम अमरजीत कुमार, लेकिन हमारे स्वामीनाथ ये बताओ
चुकी हो? महाराज जी कुछ बातें ऐसी हो गई थी इसलिए मुझे राज बंगला तक आना पड़ा। आहे कबले कबले Thank you.
परंतु ये मानने को तैयार नहीं है। भैया इतिहास गवाह है, जो औरत चाहा है वही हुआ है। आपका भलाई उसी में है कि जो ये कहती है इसको ऑर्डर दे दीजिए। देखो मेरा पंडित, उसको जो मैं ऑर्डर दे दूंगा तो उसको रिस्क कौन लेगा? इसका तुम जा रहे हो मेला। भाई साहब मैं तो अपने आप का रिस्क नहीं ले सकता हूं, तो राज माता तो ये अगर जाएगी अकेली तो इसका रिस्क कुछ हो जाएगा मेला के अंदर में, तो इसका रिस्क कौन लेगी? देवर जी कहिए ना, देवर जी का रिस्क मैं लूंगी, मैं लेके चली आऊंगी, सब कुछ लौटाऊंगी। इसका रिस्क मैं पूछ रही हूँ सोनमा को। अरे मेरे भाभी, मैं तो ठहरा जात का ब्राह्मण, लेकिन मैं जात का ब्राह्मण हूँ, कर्म से छत्री भी हूँ। मैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करता हूँ, तो आपसे कैसे करूँ? मैं आपका रिस्क कैसे ले सकता हूँ? ये बताओ तो फिर ये अकेली कैसे जाएगी? मेरे भैया, दुनिया में किसी का भी महारानी हो, लेकिन इनकी जो वीरता है वो किसी राजा के रानी के अंदर में नहीं है। आपका महारानी तो लाखों में एक है, आपके घर का लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी माता है। तो मैं क्या करूं, इसके सर पर बिठा लो? मेरे भैया, मैं आपको सर पर बैठाने के लिए नहीं कहता हूँ। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि जो परंपरा से चलते आया है, प्रिया का चरित्र, औरत का चरित्र जब देवता नहीं जान सका, आप और हम तो मनुष्य है क्या जानिएगा? यही तो बात है, कहते हैं बिना से काल विपित्र बुद्धि, वही हो गया है इसको। बड़े भाई साहब, लाभ हानि जीवन ये सब तो विधि के हाथ में होता है, लेकिन हर एक नारी का ये सम्मान होता है कि उसका पति उसकी हर एक इच्छा को पूरा करे। जो धर्म है मैं वही आपको बताया। ठीक है देवा पंडित, अगर तुम इसका पैरवी लेके आए हो तो ठीक है, मैं इसको ऑर्डर दे दिया हूँ, जाओ अकेले देखने के लिए। भाभी अब आपको ऑर्डर मिल गया, अकेले मेला देखने के लिए जाइए और चार दिन में वापस चले आइएगा। अकेले जाना पड़ेगा, ना मैं जाऊंगा, ना रुदर जाएगा, ना बड़े भाई साहब जाएगा। देवर जी ऐसे कैसे हो सकता है, मैं जाती नहीं है ठहरी। देवर जी को कहिए ना साथ जाने देने के लिए, मैं देवर जी के साथ लेके चली जाऊंगी। मेरे भाई भाभी, बड़े भाई साहब तो धर्मात्मा है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि ये कौन है, अगले जन्म में ये धर्मराज थे, इसीलिए मैं इसके बीच में और आपके बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ये मामला एक पत्नी और एक पति का है, आप समझाइए। मैं तो ऑर्डर आपको दिला दिया। देवर जी एक बार प्लीज कहिए ना स्वामीनाथ को, जो देवर जी को साथ जाने देख ली, मैं उधर ही सुनूंगी। बड़े भाई साहब, बोलो बोला पंडित, भाभी बोल रही है कि रुदर सिंह को भी साथ कर दीजिए। क्या रुदर? हाँ अब नहीं मारिए भैया, रुदर के नाम लेगी हरम जाती के। लक्ष्मी को इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो लक्ष्मी है, ये तो तुम जानते हो। रुदर जहाँ भी जाता है वो लड़ाई झगड़ा फंसा देता है, ये तो सच बात है। उस मेला से पात्र नहीं आया है, अगर उस मेला में जाएगा वो तो मेला को हल भंग कर देगा। अरे भाई साहब, आपके पास पत्र नहीं आया, लेकिन मेरे पास राजा गोरखा ने टीका भेजा है, मेरे पास पत्र आया है। तो देवा पंडित मैं क्या करूं, ये
ये तो जीत बन के बैठ गई है। वही तो ये जो हट कर लिया है, आपको एक बार समझना चाहिए, जब ये अपने सगा भाई यानी एक माँ बाप के गर्भ से पैदा हुआ ये और इसका भाई, जब ये शादी करने के लिए अपने भाई का नहीं हुआ तो क्या आपका और हमारा होगा? ठीक है देवा पंडित महारानी करो रिक्स ले ले उधर के हम थिए देख लगे। ये बताओ कि मैंने रुदल सिंह को आदेश दे दिया हूँ, लेकिन रुदल सिंह को उस मेला में कुछ हो जाएगा तो उसको रिक्स कौन लेगा? मैं जा रही हूँ ना, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी, पूरे रिक्स। लेकिन ये हरमजादी बात नहीं मानती है। बड़े भाई साहब, जो औरत चाहता है ना वही होता है, औरत के आगे में मर्द तो मजबूर होता है। ठीक है, मैं आदेश दे दिया हूँ और मेरा छोटा भाई रुदल को बुलाओ। स्वामी मुझे दवा दिलवा दे, मुझे बहुत पीती दवा दिलाएंगे तुमको। आज देखे दारा सनमा होता नहीं है मरा के Thank you.
मेरे छोटे भाई निरंजन सिंह, आज मैं इसलिए तुमको मैं अपने राज दरबार में बुलाया हूँ कि तुम अपने भाभी के साथ बीठुर घाट मेला जा रहे हो। बीठुर घाट हाय निरंजन सिंह। बड़े भाई साहब बतलाइए, अगर आप भाभी अगर मेला नहीं करके जाते तो कितना शोभा देता। पत्नी और पति मिल करके कोई तीर्थ जाता है तो शोभा बढ़ता है। अगर मेरे साथ मेरे भाभी जाएगी उसको शोभा नहीं होगा। भैया जी दूर से अगर पति पत्नी जाती है तो अच्छा नहीं लगता है मेला में, अगर देवर भाभी जाती है तो घूमने में बहुत मजा आता है। क्योंकि अगर हम चले जाएंगे मेला होगी तो यहाँ राजधान के ड्राइवर दरबारा रिपू जी आ स्टेज के पीछे आवे के कोशिश करियो। प्रेम जी आंख बजा भैया, अगर हम जाएंगे मेला के अंदर तो यहाँ राजपाट कौन संभालेगा रोडन सिंह। इसीलिए मैंने तुमको भेज रहा हूँ भाभी की साहैया। सबसे पहले यह बतलाइए जो राज गोरखा ने मेला लगाया है क्या आपका पास टिकाया था। मेरे भाई रुदल सिंह, राजा गोरखा ने तो एक भी पत्र नहीं भेजा था राज महोत्सव। अगर आपका पास पत्र नहीं आया तो कैसे भाभी जाएगी और कैसे मैं जाऊंगा। देखो मेरे छोटे भाई रुदल सिंह, देवा पंडित के पास दो दो पत्र आए हैं, उस पत्र पे चले जाओ तुम और भागे। मेला देख लेना, मैं हाथ रोज छुट्टी देता हूँ और नन्हे रोज राज महबा में हाजिर हो जाना। बड़े भाई साहब आपका वचना की मैं तो पालन करना होगा मुझे। इसलिए जिस टाइम में मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया मैंने पिता की समान आपका माना, माँ की समान मैं अपनी भाभी की माना। आपका आज्ञा की अवश्य मैं पूरा करूंगा। लेकिन भाभी के साथ रुदल सिंह तो जाएगा, लेकिन भाभी ने बोल रही है देवर जी जितना मुझे सुहाग राज का जेवर है मैं सारे पहन करके मेला की अंदर जाऊंगी। क्यों रुदल सिंह, और एक बात आ रहा है रुदल कि तुम्हें मेला के अंदर में जाओगे तो किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई तुम्हें एक गाली भी दे देगा तो गाली को बर्दाश्त करके राज महबा लौट के चले आना, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे भाभी हैं और मेला के अंदर में किसी से लड़ाई मत करना। भैया हर हर गंगे काशी में और पाप कटे बदमाशी में, हाँ कली के काम न किया से भाव न किया के राजा महाराजा अवतार न हुआ जो मेरे रहते हुए मेरे भाभी की ऊपर आंख लगाया। देखा भैया जी मैं आपका वचनों से मैं किसी से झंझट लड़ाई नहीं करूंगा। मैं आठ रोज के मां मोहलत दिया है, मैं भाभी की लेकर की अवश्य आपका पास आ जाऊंगा। ठीक है रुदल सिंह, तो मैं चलता हूँ राज दरबार और ठीक समय पर आ जाना। Thank you.
भाभी अब कितने दूर रह गया है मेला? बस भाभी अब से कुछ ही दूर है मेला। देवर जी। हाँ हाँ भाभी। मेरा पांव दर्द करने लगा, इसे बैठाइएगा क्या? क्यों नहीं मेरे भाभी, आपके लिए तो ये जान हाजिर है, ये शरीर क्या चीज है? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं बैठूंगी, पैदल ही चली जाऊंगी। पैदल ही? कैसे जाऊंगी पैदल, आपके पांव में छाला पड़ जाएगा भाभी। अच्छा। हाँ देवर जी। हाँ जल्दी चलिए, देर हो रही है। चलिए न। पाले लेके चला रे बतोरिया, पाले की पाले लेके चला रे बतोरिया, ये सुहानी सी नजर जरा देखना की पाले लेके चला रे बतोरिया। चलते चलते पांव दर्द कर रहा है। क्या? हाँ
हेलो क्या चलते चलते हेलो क्या पाँच अरब करेंगे? हाँ। एक काम करो भाभी, यहाँ से कुछ दूर रह गया है मिला जाने की, चलो कुछ देर के लिए आराम कर लूंगा और उसके बाद मेरा की यात्रा बनाऊंगा। देवर जी चलो अरे चला 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 देवरा अब है ये मेला में Thank you.